बेल बॉटम्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के शुरुआती 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे बेल बॉटम फिल्म ने अब तक हिंदुस्तान में कितनी कमाई की और फिल्म का विदेश से कलेक्शन कितना आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने दर्शकों को थिएटर तक लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए भारी संघर्ष कर रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में आज 9 दिन गुजार लिए हैं। जाहिर है कि फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं दिखाया। जहां सभी को लग रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 90 या 100 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती थी, वही अब फिल्म 50 से 60 करोड़ रुपए कमाने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रंजीत एम तिवारी ने, और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें वाणी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें बेल बॉटम फिल्म के 11 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बेल बॉटम फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि शुरुआती 7 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 20 करोड़ 10 लाख रुपए का। फिल्म ने 8वें दिन कमाए थे 1 करोड़ 45 लाख रुपए। 9वें दिन फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख रुपए रहा था। वही 10वें दिन फिल्म ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए कमाई की थी। लेकिन दोस्तों, यहां पे 11वें दिन है संडे, और संडे होने की वजह से बेल बॉटम फिल्म को अपने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, और यह फिल्म 11वें दिन 8वें, 9वें और 10वें दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी हासिल करने में कामयाब रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पे बेल बॉटम फिल्म अपने 11वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, बेल बॉटम फिल्म का जो शुरुआती 11 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो रहा है 26 करोड़ 15 लाख रुपए। वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 37 करोड़ रुपए। नजर डाली जाए फिल्म की ओवरसीज कमाई पर, तो दोस्तों बेल बॉटम फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी अभी तक टोटल ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है 10 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों, बेल बॉटम फिल्म ने शुरुआती 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 47 करोड़ 50 लाख रुपए का। जी हां दोस्तों, फिल्म ग्रोस कलेक्शन के मामले में वर्ल्ड वाइड 47 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है, और आने वाले वीक में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। वैसे दोस्तों, अगर आपने बेल बॉटम फिल्म देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और बेल बॉटम और बॉलीवुड और साउथ की आने वाली सभी फिल्मों के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।